हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। देखिए, यहां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज क्या बताऊंगा आपको, एक मास्टर शॉर्टकट है। देखिए, अल्ट की प्रेस कर लीजिए, कहीं पर भी क्लिक रखिए, वर्क एरिया में कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए आप, और अल्ट बटन प्रेस कीजिए। तो यहां पर किसी भी मेन्यू में जाना है तो आप जो भी यहां पर देखिए बटन दिया हुआ है, अगर फाइल में जाना है तो एफ, होम में जाना है तो एच, और अगर ये इंसर्ट टैब है, इसको मैंने इंडिया नाम दे दिया है, तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाना है तो एन, पेज लेआउट में जाना है पी, तो मान लीजिए पेज लेआउट में जाना है तो पी प्रेस कर दिया हमने, देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अल्ट प्रेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए फिर ये इसी तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए आपको डेवलपर टैब पे जाना है तो एल प्रेस कर दीजिए, डेवलपर टैब पे आ गए, फिर यहाँ अल्ट प्रेस कर दीजिएगा, फिर ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, व्यू पे जाना है, डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए, व्यू पे आ गए। ठीक है, नॉर्मल व्यू में जाना है, एल प्रेस कर दीजिए, नॉर्मल व्यू में आ गए। ठीक है, फिर अल्ट प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और एच प्रेस कीजिएगा तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। देखिए, अल्ट के साथ एच प्रेस किया है तो शॉर्टकट हाईलाइट हो गया। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है होम टैब के, तो अल्ट के साथ वो मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे एल प्रेस कर दीजिए, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, अल्ट प्रेस करता हूँ, अल्ट एच। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अल्ट एच प्रेस किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें हाईलाइट है। ठीक है, अगर आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो यहां पर आई प्रेस कर दीजिए तो ये इंसर्ट वाला ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी आप ओपन कर सकते हैं, ये बड़ा काम का शॉर्टकट है। अगर आपको ये शॉर्टकट पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।